और जनता को पेयजल देने में असमर्थ रहे। महापौर जी भगोड़े महापौर है, महापौर जी लापरवाह महापौर है। महापौर को गहरी नींद जगाने आए शहर की जनता त्रस्त है, महापौर मस्त है। देखिए कुंभकर्ण में सोए हुए महापौर को जगाने हम नंगाड़ा लेके आए हैं। रायपुर शहर की जनता त्रस्त है, रायपुर शहर में हर गली मोहल्ला चाहे व्यापारी गणों पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज हम सभी पार्षद दल नगर निगम में निजान ढेबर जी के कक्ष के सामने नगाड़ा बजाकर उनको गहरी नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते पूरे वार्ड में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज हमारे गुंगा बहरा महापौर जो अपनी समस्या से छोड़ भागड़ा महापौर जो अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, कई बार शिकायत करने के बाद भी हमने माननीय महापौर जी से आग्रह किया था कि शहर में पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है, आप इसके लिए अभी से तैयारी कर लीजिए, मगर महापौर ने सिर्फ आश्वासन दिया और महापौर है वो जनता को पेयजल देने में असमर्थ रहे। महापौर जी भगोड़े महापौर है, महापौर जी लापरवाह महापौर है, हारे हुए महापौर है माननीय महापौर जी, जो स्वयं कहते हैं कि रायपुर शहर की जनता को समस्या के छोड़ कुछ नहीं मिल सकता, समस्याओं से हम निजात दिला नहीं सकते। उनको उनकी कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज भाजपा का जो पार्षद दल है वो नंगाड़ा बजा रहा है, ताकि इस नंगाड़े की गूंज उनके कानों तक पहुंचे और शहर की जनता को की जो प्यास है उसे वो समझ पाए और जो नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसकी वो ध्यान देकर जनता को पानी उपलब्ध करा सके। देखिए कुंभकर्ण में सोए हुए महापौर को जगाने हम नंगाड़ा लेके आए हैं। रायपुर शहर की जनता त्रस्त है, रायपुर शहर में हर गली मोहल्ला चाहे व्यापारी गणों पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों को रोड में आना पड़ रहा है अपने घरों में, उनके यहाँ नल के पानी पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी भाजपा पार्षद मीनल चौबे जी के नेतृत्व में महापौर को जगाने की कोशिश करी। इससे पहले भी मीटिंग कई बार हो चुकी है मगर अभी तक पानी कहीं नहीं हुआ, लोग एक एक बूंद के पानी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए नगाड़ा लेके यहाँ पे हम पहुंचे हैं। देखिए जनता की मूलभूत समस्याएं हैं पानी, जो कि शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है। महापौर जी हमेशा आश्वासन ही देते हैं, लगातार हम पार्षद दल ने उनके कई बार कानों में डाला कि शहर की जनता की समस्याओं का निराकरण करे, पर महापौर जी कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं और शहर की जनता पानी के लिए तरस रही है, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है और जनता के द्वारा महापौर को बार बार हिदायत दिया जा रहा है। हम नगर पार्षद दल नगर निगम में कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, पर महापौर जी अपने दिन से नहीं जाग पा रहे हैं और आज हम सभी पार्षद दल नगर निगम में निजान ढेबर जी के कक्ष के सामने नंगाड़ा बजाकर उनको गहरी नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वो जाग जाए और जनता की समस्याओं का निराकरण करे और जनता को पानी दे। देखिए आज हम सभी पार्षद दल यहाँ पे महापौर जी के सामने में, उनके कक्ष के सामने में उनकी कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए आज बैठे हैं। पूरी गर्मी निकल गई, उन लोगों को जनता को पानी नहीं मिला है, एक बूंद पानी के लिए समस्या जो लोगों को हो रही है उसके लिए लोग तरस रहे हैं। आज हम सभी उनके कक्ष के सामने में बैठे हैं कि महापौर जी आप कुछ कीजिए और पानी दिलाइए। आपने 400 करोड़ जो खर्चा हुआ है अमृत मिशन में उसके तहत तो पूरे वार्डों में पानी मिल जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते पूरे वार्ड में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आज डामरीकरण कर दिया गया है लेकिन भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि उन डामरीकरण वाले रस्तों को फिर से गड्ढा करके पानी की समस्या का निराकरण करने के लिए लगे हुए हैं। तो ये सब जो गोल मोल काम आप कर रहे हैं ये लगभग 4.5 साल से चल रहा है। नहीं तो आज हम आपके कक्ष के सामने बैठे हैं।
लेकिन अगले बार में हम लोग पूरा रास्ता चक्का जाम करेंगे। नगर निगम अगर काम नहीं करेगी तो नगर निगम में ताला लगा देंगे। वर्तमान 65 में सरिता वर्मा हूँ। माँ माया मंदिर वार्ड तालाबों से भरा हुआ वार्ड है, परंतु आज ना तालाबों का जो स्थिति है, दुर्गति है, उसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो निस्तारी योग्य नहीं है। एक जानवर धोने का काम नहीं आ सकता, और वहाँ पर पीने के पानी से लोग निस्तारी करते हैं। वहाँ बोर सूख गया है, वहाँ पर लोगों के घरों में नल चलना बंद हो गया है। जब से 24 घंटा वाला नल लगा है, तब से पुराने कनेक्शनों में पानी आना बंद हो गया है। आखिर महापौर जी ऐसी क्या व्यवस्था की है जिससे जो नल कम से कम 2 टाइम चल रहा था वो भी बंद हो गया। जब इनको 24 घंटा वाला प्रावधान करना था तो 1 टाइम की पानी को इनको प्रभावित करना था। टंकी भरने में 5 घंटा लगता है, 4 घंटा डिस्ट्रीब्यूट लाइन लगता है, तो 4 और 3 7 घंटा, 7 उन्हें 14 घंटा केवल 2 टाइम पानी देने में। अगर उसी टंकी से पानी दिया जाता है तो आखिर अतिरिक्त तो पानी महापौर कहाँ से देगा। स्मार्ट सिटी के पैसों का इन्होंने पूरा दुरुपयोग किया है, बल्कि इनको टंकी बनवाना था, पानी भरना था, उसके बाद इनको पानी की व्यवस्था करनी थी। आज हमारे गंगा बहरा महापौर जो अपनी समस्या से छोड़, भागड़ा महापौर जो अपने आप को कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बयान देने वाले महापौर अपने आप में तुरंत इस्तीफा दे करके जनता के साथ अपनी माफी मांगते हुए जल्द से जल्द इस्तीफा दे हुए। ये आज की मांग जो है पूरे रायपुर शहर के साथ में मेरे रामनगर भारत